अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैसनवर है और 9th क्लास की बायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 कवर कर रहे थे। प्रीवियसली हमने बात की थी सेल वॉल से रिलेटेड, उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड बात की थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म की थोड़ी सी बात होगी, उसके बाद साइटोस्केलेटन की बात होगी, एंड देन इंडिविजुअली हम बात करेंगे एक एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर की जो कि सेल के अंदर हमें देखने को मिलता है। ना सेल ऑर्गेनल्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म वो पोर्शन होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में होता है। सेल की अगर हम एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाएं तो ये सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आउटर बाउंड्री है। उसके बाद सेंटर में ये मौजूद है कंट्रोल सेंटर विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जितना भी मटेरियल है उस मटेरियल को कलेक्टिवली हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अभी जो साइटोप्लाज्म है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इसका लिविंग पोर्शन, एक इसका लिक्विड पोर्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड साइटोसोल, जो कि सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर होता है, और दूसरा इसके अंदर ग्रैनुलर पोर्शन होता है जो बेसिकली इसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जिनका अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, तो वो ऑर्गेनल्स इसके अंदर होते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है ये जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। इसमें तकरीबन 90% वाटर है। वाटर के अलावा इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल होता है, लाइक इसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सेल को चाहिए होते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो वो खाना डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में आता है, एब्जॉर्ब होके, और फिर ब्लड से ट्रैवल करके वो तमाम सेल्स में जाता है। तो सेल के अंदर जाने के बाद वो साइटोप्लाज्म में बढ़ा हुआ होता है। तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज भी मिल जाएगा, अमीनो एसिड्स भी मिल जाएंगे, फैटी एसिड भी मिल जाएंगे, यानी वो तमाम चीज़ें जो कि सेल को ज़रूरत के लिए चाहिए। और वेस्ट मटेरियल जो कि सेल से प्रोड्यूस होता है वो भी सारा का सारा इस साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है जब तक वो इस सेल से बाहर ना चला जाए। नाउ व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म? इसका मेन फंक्शन है ऑर्गेनल्स को होल्ड करके रखना, ऑर्गेनल्स को जगह देना, बिकॉज दीज ऑर्गेनल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से हर एक जो है कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जिसकी वजह से सेल अपना काम कर सकता है। तो वो ऑर्गेनल्स जो है उनको फंक्शन करने के लिए जो जगह चाहिए वो साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसके अलावा इट ऑल्सो नरिशेज द सेल बाय सप्लाइंग विथ सॉल्ट्स एंड शुगर्स। मैंने बताया कि इसके अंदर ही तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो जो भी सेल को जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो तमाम की तमाम उससे साइटोप्लाज्म से मिलती हैं। इसके अलावा मीडियम, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर हो रहे हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उसके लिए मीडियम जो है वो बेसिकली साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये तमाम रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो ओवरऑल ये साइटोप्लाज्म की सिग्निफिकेंस हो गई। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर एक तरह का जाल बिछा हुआ होता है, समझ ले रस्सियों का या फाइबर्स का, प्रोटीन्स का बेसिकली एक जाल बिछा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर बोन्स और कार्टिलेज का जाल बिछा हुआ है जो हमारा स्केलेटन होता है, जो हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, हमारा शेप भी मेंटेन करता है, मूवमेंट में भी हेल्प करता है, हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, तो वो हमारा स्केलेटन होता है। बिल्कुल इसी तरह सेल का अपना एक स्केलेटन होता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन का एक मेशवर्क होता है, एक नेटवर्क होता है जो कलेक्टिवली जिसे हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। इस साइटोस्केलेटन के अंदर एक तो समझ लें हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं, रोप लाइक स्ट्रक्चर्स, हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रोटिब्यूल्स कहते हैं, ठीक है, ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रोटिब्यूल्स कहते हैं। ये एक तरह की प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम ट्यूब्यूलिन का नाम देते हैं। इसके अलावा और तरह के बारीक बारीक धागे होते हैं, बारीक बारीक प्रोटीन के टुकड़े होते हैं जिन्हें हम फिलामेंट्स कहते हैं। तो उनमें एक फिलामेंट है जिसका नाम है एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, एक का नाम है मायोसिन फिलामेंट। तो ये डिफरेंट तरह के फिलामेंट्स होते हैं, ये समझ लें रस्सियों की तरह हैं या समझ लें कि धागों की तरह हैं जो कि सेल को शेप भी प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा सेल को सपोर्ट भी देते हैं, और अंदर जो मटेरियल होता है सेल के, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं अंदर सेल के, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में भी काम आता है। तो ये साइटोस्केलेटन का फंक्शन होता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड दूसरा मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। चीज़ों को अगर ये कोई एक मटेरियल है इसको एक जगह से यहाँ मूव करवाना है तो उसके लिए भी यही माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये काम आते हैं, ये चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करवाते हैं। तो ये छोटा सा ओवरव्यू दिया हुआ है साइटोस्केलेटन का। फर्स्ट ईयर के लेवल के ऊपर थोड़ा सा डिटेल समझाई जाती है डिफरेंट तरह के फिलामेंट्स जो होते हैं उनके बारे में। तो अगर आप चाहते हैं डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना साइटोस्केलेटन का, तो आप फर्स्ट ईयर के अंदर वीडियो जो है वो मौजूद है साइटोस्केलेटन की, वो देख सकते हैं।